जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है ये पार्ट 3 की वीडियो में, क्योंकि आप लोग पार्ट 1 देखे थे और यश से लेकर सादात तक, और जो पार्ट 2 जो देखे थे आप सादात से लेकर और दुल्लापुर तक जो है वह आप देखे थे। और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं दुल्लापुर रेलवे स्टेशन। आपने पार्ट 2 की वीडियो और पार्ट 1 की जो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ये औरिहार मऊ रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का फुल वीडियो का जो वर्णन है वो आपको मिल जाएगा इस पूरे सीरीज में। तो आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा होगा कि मैंने जो दुल्लापुर का स्किप करके जो वो पार्ट 2 की जो वीडियो थी वो समाप्त हो गया था, लेकिन आज ये इस सीरीज की सबसे लास्ट वीडियो है जो कि पार्ट 1 जो कि पार्ट 3 है। और अभी आप देख रहे होंगे दुल्लापुर से जैसे ही हम लोग निकले हैं, वैसे जो दोहरीकरण जो कार है ना वो पूरा यहाँ तक, मतलब अभी ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, ये दुल्लापुर का जो है जो आपका डाउन मेन लाइन हो जाएगा, जो कि अभी ब्रैकेट बंद हो गया ना, इसके आगे से जो ये ही है जो वो कर देगा। और एक चीज़ और है कि दुल्लापुर से निकलते ही जो हम लोग को जो रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना की जो वीडियो जो देखने को मिला है ना, वो भाई मतलब ऐसा देखने को मिला है कि लग रहा था कि मतलब दुल्लापुर के आगे जो रेल ट्रैक दोहरीकरण है वो पूरा हो गया, लेकिन वो जो आप ट्रैक जो देखे थे वो उसको आधा दूर तक ही लगा था। और अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे दुल्लापुर से वो निकले और जो वो रेल ट्रैक जब ख़त्म हुई तो उसके आगे से हम देखें कि भाई अभी इधर क्या है कि जो काम है ना वो भाई बहुत कम मुझे लग रहा है। अभी दुल्लापुर के आउटर तक तो जो काम था वो तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे आउटर के आगे वो निकले जो भाई काम था ना वो बहुत ही कम हुआ है काम अभी इस रूट पर। और ये जो सेक्शन जो चल रहा है ना वो दुल्लापुर से लेकर और आपका नायकडीह तक का जो सेक्शन है वो चल रहा है। तो चलिए अभी आप लोग इन्जॉय करिए और आगे कुछ और मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नायकडीह रेलवे स्टेशन और नायकडीह हॉल्ट है। और नायकडीह हॉल्ट के पहले भी हम लोग को जो देखने को मिल रहा है ना इस सेक्शन पे कि जो भाई रेल ट्रैक दोहरीकरण का परियोजना जो कार्य है ना वो भाई इधर इतनी कम है कि आपको पूछो ना। तो आप पहले देखिए नायकडीह का हॉल्ट का स्किप। चलिए आप लोगों ने नायकडीह हॉल्ट का स्किप देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अब ये जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो जो सेक्शन है ये नायकडीह हॉल्ट से लेकर और आपका पिपरीडी रेलवे स्टेशन तक का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। और चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस सेक्शन का। तो इस सेक्शन पर जैसे हम लोग नायकडीह से निकले हैं वैसे ही भाई हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि जो रेल ट्रैक दोहरीकरण का जो कार है ना वो भाई 100% में 20% जो वर्क है वो यहाँ पे हुआ है ना ही। यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पोल्स जो गाड़ने के लिए फाउंडेशन बनाया जाता है वो भी नहीं बना है, और ना ही जो रेलवे ट्रैक है वो भी नहीं लगाया गया। हाँ, हालांकि एक चीज़ और है कि इस सेक्शन के बीच में एक जो है वो आपका रेलवे का जो पुल है वो पड़ता है, लेकिन अभी ये जो पुल देख लेना ठीक, ये पुल तो रहेगा ही डबलिंग में। इसके लेफ्ट साइड में जो है वो एक रेलवे का जो पुल जो बन रहा है अभी वो जो वर्क है वो अभी हो रहा है। और अभी हम लोग जो है नायकडीह से, मतलब अभी हम लोग जो है वो पिपरीडी हॉल्ट से, मतलब पिपरीडी जो रेलवे स्टेशन है उसके लगभग 3 किलोमीटर पहले हैं। और अभी क्या है कि डबलिंग जो है वो आपका लेफ्ट साइड चल रहा है, और अभी डबलिंग जैसे इधर आता था वैसे भी हम लोग बताते हैं कि मतलब अभी जो वर्क है ना भाई इस रूट पर बहुत ही जो वर्क है वो बहुत ही कम हुआ है।
अब हम लोग पहुंचने वाले हैं पिपरीडी रेलवे स्टेशन। और भाई पिपरीडी रेलवे स्टेशन से ठीक पहले आउटर आइए जो सिग्नल है वो आउटर सिग्नल है, और उसके पहले भाई देखने को ये मिलता है ना कि भाई जो रेल ट्रैक दोहरीकरण का जो कार्य है वो भाई बहुत ही धीरे गति से जो है ना वो इस सेक्शन पे चल रहा है। और भाई ये चीज़ पहली बार हो रहा है कि मैं पिपरीडी के प्लेटफॉर्म दो पे जो ट्रेन है अपनी वो लगाई जा रही है, भाई बहुत पहली बार है ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं पिपरीडी का जो बहुत बार जो मैं पिपरीडी को स्किप किया हूँ और जो पिपरीडी में मैं जो है रुकता नहीं था, लेकिन आज पहली बार जो पिपरीडी के प्लेटफॉर्म नंबर दो मतलब लाइन संख्या दो पे मैं पहुँच रहा हूँ। चलिए इसके बाद ही मैं आपको पिपरीडी का जो प्लेटफॉर्म दो नंबर जो बनने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। और अभी देखिए अभी पहले ये जो अभी आप इसके बगल में जो देख रहे हैं ना, इधर क्या है कि एक और जो लाइन है वो आपका लूप लाइन जो है वो बनने वाला है, फिर जाके तब जाके जो है वो आपका पिपरीडी का जो है ना वो बनेगा। और चलिए अब देख लेते हैं, अब जैसे आगे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं पिपरीडी का, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म। और ठीक प्लेटफॉर्म और ये मेन लाइन के बीच में जो जगह देख रहे हैं ना, इस जगह के बीच में जो है वो आपका एक लूप लाइन जो है वो बनने वाला है। और जैसे ही ये लूप लाइन जब से ही बन जाएगा ना, तो जिस लाइन पर भी हम लोग चल रहे हैं ये जो लाइन है वो मेन लाइन हो जाएगा पिपरीडी का। यानी पिपरीडी पे आपको दो मेन लाइन देखने को मिलेंगे और आपको दो लूप लाइन आपको देखने को मिलेंगे। और अभी क्या है ना कि इस जो ये अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फुट ओवर ब्रिज वगैरह है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा पिपरीडी रेलवे स्टेशन पे, और अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ से निकल रही है धीरे धीरे। और एक चीज़ और है कि भाई पिपरीडी पे फुट ओवर ब्रिज भी बनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। वैसे ये चीज़ सही भी है कि फुट ओवर ब्रिज बन जाने के कारण वैसे लोग भाई जहाँ लोग RPF वगैरह नहीं रहते हैं वहाँ लोग फुट ओवर ब्रिज का जो है वो इस्तेमाल वगैरह नहीं करते हैं। और वैसे भी इस स्टेशन पे जो है वो बहुत ही कम ही ट्रेन जो है वो रुकते हैं, मात्र आपको जो है पैसेंजर ट्रेन ही जो है वो रुकते हैं। मात्र आपको मैं पूरे दिन की भी बता दूँ तो पूरे दिन में आपको जो है 10 ही पैसेंजर जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुकते हैं पिपरीडी पे, और बाकी ट्रेनों का जो तो है वो यहाँ से स्किप कराते हैं लोग, या तो फिर कभी मोह पे जो लाइन वगैरह ना खाली हो तो इसको लूप लाइन पे जो डालकर यहाँ पे इसको वेट कराया जाता है। और चलिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये बगल में जो पूरा जो स्टेट वगैरह खाली है तो वहाँ पे भी एक लूप लाइन जो है उधर से आएगा यहाँ से, और ये जो लूप लाइन जो है वो आगे तक जाके फिर जो है वो आपका धीरे धीरे जो है वो मेन लाइन पे मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है ना वो पिपरीडी से लेकर और पनियारा हॉल्ट तक है, और अपनी जो ट्रेन है वो धीरे लूप लाइन से हटकर सीधे मेन लाइन पे जो है वो शिफ्ट हो गई है। और अभी यहाँ पे सामने जो ये जो ब्रैकेट में जो देख रहे हैं ना, यही जो लाइन है ना वो आगे आपका खुल जाएगा रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना के लिए। और धीरे धीरे जो ट्रेन है ना वो धीरे धीरे अभी है मेन लाइन पे आई है, और धीरे धीरे जो ट्रेन है वो एक्सेलरेशन कर रही है। और अभी आप सामने ये जो देख रहे हैं ये जो भाई। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बस मिट्टी वगैरह है वही बस जो है वो डाला वाला गया है, और मात्र कह सकते हैं कि जो पनियारा और पिपरीडी के हॉल्ट के बीच में मतलब जो रेल ट्रैक दोहरीकरण का जो कार्य है ना वो बहुत ही कम हुआ है। तो
अभी आप देख सकते हैं कि जो रेल ट्रैक दोहरीगढ़ जो कार है ना वो भाई बहुत कम हुआ है। हाँ एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग पूछते थे कि भैया पनियारा और पिपरेडी के हॉल्ट के बीच में बहुत सारा जो जगह है वो छोड़ा गया है दोहरीकरण के लिए। तो ये जो पूरे इतनी ज़्यादा आप चौड़ा जो देख रहे हैं ना, ये चौड़ा इसलिए क्योंकि दोनों जो रेलवे ट्रैक है ना वो यहीं पे बनने वाला है, और जो ये जो रेलवे ट्रैक है ना इसको उखाड़ दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी कर्व है उस कर्व को जो ठीक करके पूरा जो रेलवे ट्रैक है ना वो दोनों इसी पे शिफ्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं ना, ये जो रेलवे ट्रैक है इसको कुछ दूर तक जो इसको काट दिया जाएगा, और यहीं जो यहाँ पे इतना चौड़ा जो देख रहे हैं ना, ये दोनों रेलवे ट्रैक ना ये दोनों रेलवे ट्रैक यहीं पे बिछेगा और ये जो ट्रैक है उसको हटा दिया जाएगा। तो आप साफ साफ आप कह सकते हैं कि भाई पिपरेडी और पनियारे के बीच में जो वर्क है ना 100% में 30% जो वर्क है वो हुआ है। तो अभी आने वाला है पनियारा, आप पनियारा का आप लोग स्किप देखिए। पनियारा का स्ट्रिप कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताइएगा। और अब हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऊपर से जो देख रहे हैं ये आपका रिंग रोड है, जो गोरखपुर का जो है वो आपका हाईवे है वो अभी बन रहा है। और अभी यहाँ पे भाई बता दूँ मैं आपको कि पनियारा और आपका मऊ के बीच में जो रेल ट्रैक दोहरीकरण का जो वर्क है ना भाई, अभी तो इधर मतलब एक चीज़ और है कि अभी थोड़ा जो इधर वर्क नहीं हुआ है ये अभी लेफ्ट साइड हुआ है। तो अभी इधर मैं आपको कैसे बता दूँ, जैसे इधर आता तो जो है वो मैं वर्क आपको बताता हूँ कि कितना वर्क हुआ है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ वर्क जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो रहा है और कुछ जो रेलवे का दोहरीकरण जो हो रहा है वो आपका राइट साइड हो रहा है, और यहाँ से जो है वो आपका राइट साइड हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको बहुत देखने के भाई हम लोग को ये मिल रहा है ना कि मऊ और पनियारा का जो सेक्शन जो चल रहा है भाई, यहाँ पे तो भाई लग रहा है कि 100% 80% जो वर्क है वो हुआ है। वैसे अभी क्या पता, और चलिए सीधा मैं मिलता हूँ उसे मऊ रेलवे स्टेशन के पास।
पहुंच चुके हैं मऊ रेलवे स्टेशन, और अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो अपनी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे जो है वो शिफ्ट हो रही है, और लूप लाइन पे जो है वो शिफ्ट हो रही है, और पूरी मतलब अभी अपनी जो अपनी ट्रेन है वो अभी आप लोग पहले देखें मऊ रेलवे स्टेशन का अराइवल यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं मऊ रेलवे स्टेशन, और ये पूरी आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइए। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको पूरी जो सीरीज़ है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और है कि आप लोग को ये तीनों पार्टों में से कौन सी जो पार्ट है वो आपको सबसे अच्छा लगा है जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी जो ट्रेन है वो बिल्कुल राइट टाइम जो है वो मऊ पहुँची है, और पूरी वीडियो भाई कैसा लगा ना कमेंट बॉक्स में जो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में, और ये सीरीज आज यहीं ख़त्म होता है।